Welcome you all. This is Ankit Kumar, the director of Aspire IAS. तो हम आप सबके सामने लेके आए हैं अ वेरी गुड पोर्टल जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. इस वीडियो का पर्पस क्या है? आफ्टर सो मैनी क्वेरीज मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफ एस्पायर आई फाइंड आउट दैट पीपल आर हैविंग सम कंप्लेंट्स. सर हाउ टू मेक द नोट्स बिफोर द एग्जामिनेशन वी आर नॉट कैपेबल टू रिवाइज. सर वी आर नॉट नोइंग व्हाट इज इम्पॉर्टेंट व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सर नोट्स मेकिंग आर टेकिंग सो मच अमाउंट ऑफ टाइम. सर वी आर नॉट नोइंग हाउ टू प्रोसीड इन अ गुड मैनर. तो नाउ द सॉल्यूशन इज फॉर यू. आफ्टर सो मैनी रिसर्च आफ्टर सो मैनी एनालिसिस एंड द प्रेजेंट मॉडल्स अवेलेबल इन द मार्केट एस्पायर ने आप लोगों के लिए बहुत इनोवेटिव मॉडल अडॉप्ट किया है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ हाउ दिस मॉडल हैज बीन वर्किंग. ध्यान से समझते जाइएगा और देखते जाइएगा. हमने सबसे पहले आपके लिए करंट अपडेट्स, अगर आप देख रहे हो दिस इज करंट अपडेट, इस करंट अपडेट मॉड्यूल को डेवलप किया है. इफ यू क्लिक ऑन दिस करंट अपडेट मॉड्यूल यू विल सी डेली न्यूज एनालिसिस. एस्पायर अपना डेली न्यूज एनालिसिस एवरी डे 10 o'clock तक अपलोड कर देता है ऑन द डेली बेसिस. हर रोज ये अपलोड होता है. तो पहले हम इसी की बात करेंगे, दैट इज डीएनए. सपोज दिस इज 9th July डीएनए. तो जब आप 9th July डीएनए अपलोड करेंगे देन यू विल सी ऑल दीज आर द न्यूज ऑफ द 9th July फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस. अगर आप इसमें सोर्स नहीं दिखाई दे रहा बट दीज आर फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ दैट इज द सोर्सेस, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, इवन इट इज फ्रॉम डाउन टू द अर्थ. तो नाउ दीज आर द टॉपिक्स. अगर आपको दिख रहे हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड ऑल दिस थिंग्स. तो अब मुझे रिवाइज करना है मान लो. तो नाउ सपोज आज मैं रिवाइज कर रहा हूं, मुझे लगता है एनवायरमेंट मुझे सब रिवाइज करना चाहिए. नाउ सपोज दिस इज अ पेरिस कमिटमेंट. तो हम डेली की न्यूज को देख सकते हैं. ऐसे हम क्लिक करेंगे एंड देन वी कैन गेट ऑल द न्यूज इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म. इवन इन दिस यू कैन डू ऑल द थिंग्स ऑफ एनवायरमेंट. अब जैसे एनवायरमेंट का आपका आर्टिकल खुल गया, तो नाउ यू विल सी ऑल द एनवायरमेंट आर्टिकल. जितने भी एनवायरमेंट आर्टिकल होंगे वो सब आप देख सकते हैं. बट नाउ दिस इज अ इंडिविजुअल न्यूज. ठीक है, अब आगे चलते हैं. तो अब मुझे लगा कि मुझे एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिवाइज करना चाहिए, है ना भाई? बिल्कुल करना चाहिए. तो मैंने एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर क्लिक कर दिया. द टाइम आई क्लिक एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट All the news till now we uploaded regarding environment is here. ये देखो सारी news environment की यहाँ पर आ गई. अब मैं एक को खोलूंगा. If I open one, now I am in a condition to revise every news. First India largest butterfly, golden bedbug. मैंने एक बार पढ़ रखा है तो मैं इसको याद कर सकता हूँ. इसी के लिए blue marmon UPSC में पूछा गया था. इसके बाद नीचे national gene bank, it is an initiative of national medicinal plan board, national gene bank, world के अंदर PT shot दे दिया Svalbard, इंडिया सीड वर्ल्ड, नेशनल एनिमल जीन बैंक, नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड. अगली न्यूज वर्चुअल क्लाइमेट चेंज समिट, पहली हुई थी हमारी मार्शल आइलैंड में, फोर्थ हुई है विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड कनाडा. फिर इंडिया का एफर्ट, एनवायरनमेंट की पूरी न्यूज आ गई यहाँ पर. हाँ, फिर इसके बाद नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इंडिया के 8 मिशन. रिसेंटली एक हमारा नया एड हुआ है, क्लियर, दैट इज बायोगैस मिशन. फिर UNFCCC अनदर न्यूज, अगर आप देख पा रहे हो UNFCCC इधर इसकी पूरी क्रोनोलॉजी दे दी हमने, 1979-88 ऑल द कोप. तो आप बच्चों के लिए वन डॉग सॉल्यूशन है. जैसे कि अब हमने देखा कि ये आपका 2018 में कटोविच हुआ था, 19 में चाइल्ड में होना था, मैड्रिन में हो गया, 26 में ग्लासगो, 2020 में होगा नहीं, 2021 में होगा UK, इटली प्रेसिडेंट होंगे आलोक शर्मा. तो ये हमारी एक न्यूज हो गई रिगार्डिंग दैट इज UNFCCC एंड देयर ओवरऑल अचीवमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स. इसके बाद आ गया पेरिस कमिटमेंट, है ना. पेरिस कमिटमेंट क्या था और कैटोविच क्या था, दोनों हमने यहाँ पर दे दिया. तो जो जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और आप देखो एक साथ एनवायरमेंट की सारी न्यूज क्या कर रहे हो, रेफर कर रहे हो. फिर वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन क्लाइमेट समिट देयर इज अ मार्शल गिलबर्ट आइलैंड, वो था इसके अंदर. फिर इसके बाद क्लाइमेट वनरेबल फोरम साउथ साउथ कॉपरेशन के अंदर मालदीव्स में हुई थी. फिर काजीरंगा नेशनल पार्क फ्लड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आसाम के सारे नेशनल पार्क इसके अंदर हमने दे दिए यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं. फिर इसके बाद अगर आप देखो नागरहोले नेशनल पार्क,
तो इस तरीके से आप पूरे एनवायरनमेंट की न्यूज एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपना ये सेंड टू बुकमार्क भेज सकते हैं, इसके लिए लॉगिन करना पड़ा होगा। सेंड टू माय प्रोग्रेस अगर आपको याद हो जाता है उसमें भेज सकते हैं। नाउ देयर इज अ स्टूडेंट कॉर्नर जहां पर ये आपके ज्यादा जाएगा, आप आगे में रिवाइज कर सकते हैं। अब मान लो मुझे सिर्फ एनिमल रिवाइज करना है, देन आई कैन क्लिक ऑन एनिमल्स टैब पर। नाउ ऑल द न्यूज रिगार्डिंग एनिमल्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब यहां पर आ जाएगा। पांडा ऑफ द सी, नाइट फ्रॉग्स, आंट स्पीशीज इन अंडमान, चीरू गोट, नीलगिरी पिपेट, शी टर्टल इन इंडिया, नीलगिरी मार्टिन, गोलियाथ ग्रुपर, बेबी ड्रैगन्स, वाइल्ड एनिमल्स इन अर्बन क्लस्टर्स, लॉकडाउन के समय, क्लाइमेट इंपैक्ट ऑन अंगुलेट्स, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, इंडियन गोर, मालाबार गिल्डिंग फ्रॉग, मिंक्स, घी गोल्डन लंगूर, हॉर्सशू क्रैब, शेलिंग्स। तो जितने भी एनिमल्स अभी तक हमने आपके लिए डाले हैं, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस, इंक्लूडिंग द वन बटरफ्लाई जो हमने आपके लिए यहाँ पर डाला। तो दिस इज अ मेथड बाय विच यू कैन डू। अब एक बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है तो आपको यहाँ साइड वाले कैप्शन पे जाना है, एंड करंट अफेयर्स पेपर वाइज दिस इज अ फेबुलस थिंग बाय द एस्पायर इन देयर वेब पोर्टल। अब मुझे पेपर वन के सारे टॉपिक याद करने, तो नाउ दिस इज पेपर नंबर वन। अब मैं मेंस के लिए प्रिपेयर होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा कोई भी टॉपिक ना छूटे। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न प्रोवाइडेड बाय अस। नाउ दिस इज जीएस पेपर नंबर वन फॉर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। नवंबर से स्टार्ट हमारा हो गया है, इससे पहले का अवेलेबल नहीं है। तो इस सीजन के अंदर 2020 मेंस में जब देंगे तो बच्चा नवंबर में क्लिक करेगा एंड ऑल द आर्टिकल विच आर रिलेटेड टू पेपर नंबर वन इज अवेलेबल हियर। यू कैन रिवाइज इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड इन अ वेरी वेरी गुड मैनर। तो इस तरीके से पेपर नंबर वन के सारे आर्टिकल इसके अंदर आप देख सकते हैं जो भी आपके मई महीने के अंदर आए हैं। अब मान लो मुझे पेपर नंबर टू का देखना है इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो नवंबर में पेपर नंबर टू में हम जैसे ही डालेंगे ऑल दिस आर्टिकल्स आर कमिंग अंडर पेपर नंबर टू। तो पेपर टू पेपर थ्री में ज्यादा मिलेगा, पेपर वन और पेपर फोर के लिए कम आर्टिकल्स मिलेंगे। बट दिस इज अ मेथड बाय विच यू कैन रिवाइज योर थिंग्स इन अ वेरी गुड मैनर। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वी आर कमिंग विद फर्दर अपडेट्स रिगार्डिंग अवर न्यूज़पेपर एंड अदर मॉड्यूल्स। हर रोज हम न्यूज़पेपर क्लास लेते हैं यूट्यूब पर। हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए एंड वॉच अवर न्यूज़पेपर ऑन द डेली मैनर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।